देश दुनिया के इतिहास में 29 मार्च का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाने समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। आज के दिन 1549 में ब्राजील की पहली राजधानी साल्वाडोर दा बाहिया की नींव रखी गई थी। 1807 में आज ही के दिन जर्मनी के खगोलविद विलहेम ओलबर्स ने एक छोटे से ग्रह बेस्ता की खोज की थी। इसे आसमान का सबसे चमकदार छोटा तारा कहा गया है। आज ही के दिन 1849 में महाराजा दिलीप सिंह ने अपने दिवंगत पिता रणजीत सिंह का सिंहासन छोड़ दिया था, जिसके बाद पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। 1857 में आज ही के दिन बैरकपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर पहली बार मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। अंग्रेज शासन के खिलाफ भारत में ये पहला विद्रोह था जिसे सैनिक विद्रोह कहा गया। आज ही के दिन 1859 में बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति में भागीदारी का दोषी पाया गया था। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने बहादुर शाह को देश से निकाल कर रंगून भेज दिया था। 1867 में आज ही के दिन ब्रिटिश संसद ने कनाडा के गठन के लिए उत्तरी अमेरिका अधिनियम पारित किया था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक भवानी प्रसाद का जन्म आज ही के दिन 1913 में हुआ था। इन्हें हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल तथा त्रिपुरा गोवा और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रोमेश भंडारी का जन्म आज ही के दिन 1928 में हुआ था। 1932 में आज ही के दिन अमेरिका में जैक बेनी ने पहली बार रेडियो पर अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज ही के दिन 1943 में स्वतंत्रता सेनानी एवं नेता लक्ष्मण नायक को बहरामपुर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। 1953 में आज ही के दिन तेनजिंग नोरगे तथा हिलेरी ने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। आज ही के दिन 1954 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दिल्ली में शुभारंभ किया गया था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सिया राम शरण गुप्त का निधन आज ही के दिन 1963 में हुआ था। आज ही के दिन 1999 में अमेरिकी शेयर इंडेक्स डाउ जोन्स पहली बार 10,000 अंक के पार गया था। 2001 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्लोबल वार्मिंग पर किए गए क्योटो संधि को मानने से इनकार कर दिया था। आज ही के दिन 2004 में कार्यस्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करने वाला आयरलैंड पहला देश बना था। 2008 में आज ही के दिन दुनिया के 370 शहरों ने पहली बार ऊर्जा बचत करने के लिए अर्थ आवर मनाने की शुरुआत की थी। आज ही के दिन 2014 में इंग्लैंड एंड वेल्स में पहला समलैंगिक विवाह आयोजित किया गया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।